सत श्री अकाल जी, मैं गुरप्रीत दबड़ी खाना तो इस वेले नर मेरे खेत च मौजूद हाँ। नरमा बहुत ही संघना लग्या होया ते पर आपां जिहड़ी गल करनी है गुलाबी सुंडी वाले मसले ते करनी है। गुलाबी सुंडी का जिस तरह का हमला पिछले साल नरमा पट्टी च होया ते उहदे करके जिहड़ी तबाही मची वह किसी तो गुझी नहीं। किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान होया। एक किसान नूं मैं मिलिया सी मानसा जिले च, उन्हें मैं दसिया कि 25 किल्लिया चो 1 लाख रुपये का नरमा होया ते जिस तरह का नरमे का रेट चलता पिया सी 25 किल्लिया चो 25 लाख का नरमा होना सी, मतलब 24 लाख रुपया एक बंदे नूं घाटा पिया। ते ये हुण किन्ने बंदिया नूं पिया इहदा जदों हिसाब किताब लाऊंगे तां ध्यान चाहुंदा कि किसानी का तो लक ही टुट गया सी। हुण एड्डी वड्डी तबाही होण तों बाद इस बार भी जिहड़ा हैगा उस तरह के हालात बनते नज़र आ रहे हैं। पहला तो चिट्टे मच्छर तो थ्रिप्स का अगेता अटैक हो गया तो उहदे नाल ही गुलाबी सुंडी के अटैक दीआं खबरां भी मिलनियां शुरू हो गईआं। हुण इत्थे मेरा जिहड़ा सवाल आ उह हैगा खेतीबाड़ी महकमे उत्ते ते खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी के उत्ते। हुण मेरे कोले भाई ओरा भी जमीन है नहीं, ठीक है, सो मैं खेती करदा नहीं, पर जिहड़े सवाल खेती वाले बंदियां नूं करने चाहीदे आ उह सवाल मैं करदा पिया यूनीवर्सिटी नूं, करने तुहानूं चाहीदे आ भी पिछले साल जिस तरह का अटैक होया सी, जिस तरह की तबाही मची सी, उहदे मद्देनज़र इस वरे चाहीदा तां इह सीगा कि नरमा बीजण तों कोई 2-2.5 महीने पहलां तों ही खेतीबाड़ी महकमा खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी अमला फैला पिंडां च उतरदा नरमा पट्टी च उतरदा ते किसान चेतना कैंप लाउंदा, किसान जागरूकता कैंप लाउंदा। उन्हां कैंपां दे विच किसानां नूं गुलाबी सुंडी दे सर्वपक्षी प्रबंधन बारे, गुलाबी सुंडी की सर्वपक्षी रोकथाम बारे जिहड़ा हैगा डिटेल दे विच जानकारी दिंदा, उन्हां नूं पक्के पैरीं इनफॉर्मेट करदा कि ये चीज़ां जे आपां करांगे जां आ चीज़ां नहीं करांगे तां साडी फसल जिहड़ी हैगी गुलाबी सुंडी दे हमले तों काफ़ी हद तक सुरक्षित रहेगी। तां डिपार्टमेंट जां खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी ने अजिहा कुछ किया नहीं ते ना ही वह अजिहा कुछ करदी हाले भी नज़र आ रहे हैं। दूजी चीज़ जिहड़ी उन्हां नूं करनी चाहीदी सी वह ये सी कि नरमा पट्टी दे विच पिछले साल जिवें 10 लाख एकड़ नरमा बीजा गया सी, इस बार भी नरमे थले रकबा कुछ हद तक घटिया, फिर भी उन्हूं उस हिसाब नाल 10 लाख एकड़ के हिसाब नाल घट्टो घट 30 लाख ट्राइकोग्रामा कार्ड बना के खेतीबाड़ी महकमे वालों यूनीवर्सिटी तो बनवा के ट्राइकोग्रामा कार्ड किसानां दे खेतां च लवाउण दा प्रबंध करना चाहीदा सी, उन्हां ने अजिहा भी नहीं कीता। हुण ट्राइकोग्रामा कार्ड की हुंदे आ मित्रों? ट्राइकोग्रामा एक ना आंडियां दा परजीवी कीड़ा, जिहड़ी कीड़ी हुंदी है ना अपने घरां च ओडा क कीड़ा हुंदा खंभा वाला, सुंडियां दे आंडियां च आंडे दे के वो आपदे बच्चे पैदा करता, उहदे बच्चे सुंडी दे आंडे च पैदा होण तों बाद सुंडी दे आंडे नूं अंदरे अंदर खा के खत्म कर दिंदे आ ते बालक दे रूप च फिर वह जिहड़े हैगे आ उड जांदे आ ते नवें आंडियां दे विच आपदे आंडे फेर दिंदे आ। तां सुंडियां दे आंडियां च आंडे दे के सुंडियां दे आंडियां नूं खत्म करन वाला जिहड़ा सिस्टम हैगा वह हैगा कुदरत दे विच ट्राइकोग्रामा नां दा निक्का जिहा कीट। ते जिहड़े लोग गन्ने की खेती करदे आ उहनां नूं ध्यान च है गन्ने दे खेतां च वह ट्राइकोग्रामा कार्ड लाउंदे आ। ये कार्ड लुधियाणे तों उरे मिलदे ने खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी तों उरे ते
चाहिदा तो यह है कि यह कार्ड ब्लॉक पद्धर से जिला पद्धर से उपलब्ध होण तां कि वध तों वध किसान यह कार्ड लैके अपने खेतों च ला के अपनी फसल नूं सुंडियां दे हमले तो सुरक्षित करन दे विच सफल रहन। अजिहा उन्होंने नहीं किया। यूनिवर्सिटी ने इन्ने कार्ड बनाए नहीं तो महकमे ने अगे लवाए नहीं तो ना ही किसानों नूं यह दस्या जांदा कि इस तरह का सिस्टम भी हैगा। उस तो अगली चीज़ फेरोमोन ट्रैप, गुलाबी सुंडी दे फेरोमोन ट्रैप आउंदे आ जिवें तुसीं ना अपनी स्क्रीन ते देख रहे हो इस तरह के होंदे आ। प्रति एकड़ 15-16 ट्रैप जे लग जाण तां गुलाबी सुंडी दे जिहड़े नर पतंगे आ उह इन्हां ट्रैपां दे विच फस जांदे आ ते उत्थे ही भुखे प्यासे जिहड़े हैगे उह प्राण त्याग जांदे आ। हुण एक नर पतंगा 500 मादा पतंगा नाल मेल करन दी कपैसिटी रखदा। एक मादा पतंगा 50 तों लैके 250 आंडे देण दी कपैसिटी रखदी है। सो जिन्ने तुसी नर ट्रैप करते उन्नियां मादावां बिना मेल तो रह गईयां, मतलब हुण उन्नियां मादावां आंडे नहीं देणगियां। तां वध तों वध गुलाबी सुंडी वाले ट्रैप जिहड़े हैगे आ 15-16 प्रति एकड़ दे हिसाब नाल सारे रकबे च आपां नूं लाउणे चाहीदे सी। ते ये ट्रैप जिहड़े हैगे आ खेतीबाड़ी महकमे वल्लों किसानां नूं उपलब्ध कराउण दी व्यवस्था करनी चाहीदी सी जिहड़ी कि उन्हां ने नहीं कीती। पिछले समयां दे विच इन्हां कोले ओह ट्रैप आउंदे वी रहे आ पर मैं जे देखण च आया कि ओह ट्रैप इह 5-4 अपने 76 किसानां नूं दे दिंदे ते बाकी सारा माल इन्हां दे स्टोरां दे विच पिया ही जिहड़ा हैगा सड़ जांदा। तां एड्डा वड्डा नुकसान होया पंजाब दे किसानां दा, बावजूद इस दे इन्हां ने इस वार भी जिहड़ा हैगा कोई सीरीयस जिहड़ा हैगा इह एक्शन लैंदे हुए नज़र नहीं आए। गुलाबी सुंडी दे पतंगियां नूं ट्रैप करना बहुत लाजमी सी, जे उह हुंदे तां नुकसान इस बार ना हुंदा। तां इह काम इन्हां नूं करने चाहीदे सी। इहदे अलावा चाहीदा इह वी सी कि छोटे तों लैके वड्डे अधिकारी लगातार खेतां च रहिंदे ते इहदे विच उन्हां नूं जे कोई होर अमले फैले पक्खों मदद दी लोड़ सी तां यूनिवर्सिटियां दे विच जिहड़े विद्यार्थी पढ़दे आ उहनां विद्यार्थियां नूं अपने नाल रख लैंदे। हुण फील्ड दे विच इहनां चों कोई आउंदा नहीं, जे तुहाडे खेतां च कोई आया तां मेरी जानकारी च वाधा कर दिओ वी साडे इलाके च तां महकमे वाले हरल हरल करदे फिरदे आ खेतां च ते गुलाबी सुंडी दी खैर नहीं ऐतकी। सो दोस्तो ये जिहड़ी महकमे दी ते यूनिवर्सिटी दी जिम्मेदारी सी ना ये उहदे तों भज्जे आ। किसानां नूं फिर जिहड़ा हैगा गुलाबी सुंडी दे रहमो करम ते छड्डता वी जे उहनूं तरस आ गया तां उह छड्ड दूगी, नहीं तो वह नबेड़ा कर दूगी। सो किसान भरावो ये सवाल चकने का तुहानू चाहिए आ, तुहाडियां किसान जत्थेबंदियां नू चाहिए आ, तो चकदा फिरदा मैं, ठीक है जी। तो मैं हुण कल्ला बंदा, मेरी आवाज़ तो नगारखाने च तूती दे बराबर है। तो तुसी अपने हक्कां नू लैके अपने मसलियां नू लैके कदों आवाज़ चकनी शुरू करोगे, ये एक वड्डा सवाल है। इस सवाल का जवाब भी तुहाडे कोल ही है। तुहाडियां किसान जत्थेबंदियां ने भी इस बार पिछले साल के तजर्बे तो सबक लैके किसी तरह की कोई व्यौंतबंदी नहीं की इस मसले नूं लैके। उन्हां नूं चाहिदा सीगा कि इस बार वह खेतीबाड़ी महकमे ते पंजाब सरकार दे उत्ते यूनिवर्सिटी दे उत्ते इन्ना क दबाव बनाउंदे गुलाबी सुंडी वाले मसले नूं लैके कि वह जिहड़ा हैगा तुहाडे पक्ष दे विच एक्शन लैंदे हुए नज़र आउंदे, तुहाडे नाल खड़दे हुए नज़र आउंदे, पर इन्हां वल्लों कोई दबाव उन्हां ते बनाया नहीं गया ते उन्हां वल्लों कोई इस तरह का ठोस एक्शन तुहाडे पक्ष च लिया नहीं गया। हुण उह की करदे आ, फलानी जहर छिड़क लो, ढींकड़ी जहर छिड़क लो, इस तरह दियां सिफारशां करदे आ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਕਾਉਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਅੱਕ ਦਾ ਘੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜਾਂ 'ਚ ਵਗਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੱਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੋਲ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇਊਂਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ, ਲਾਈਕ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਬੈੱਲ ਆਈਕੋਨ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਲਿੱਕ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਫੋਲੋ ਅਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।